इस वक्त हम खड़े हैं रेलवे बस स्टेशन पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से रोडवेज बसें वर्कशॉप के भीतर खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी कि जो सुबह की ट्रेनें आई हुई हैं उन ट्रेनों में से ज़्यादातर हज़ारों की संख्या में यात्री गोरखपुर स्टेशन पर बस पकड़ने के लिए आते हैं देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के लिए। लेकिन उन बसों के संचालन ठप होने से और ड्राइवर के स्ट्राइक पे जाने से मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के खड़े होने से और परिसर में जिस तरीके से यात्री खड़े हैं बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। आज दूसरा दिन है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनका भी यह कहना है कि ड्राइवर से और बस एसोसिएशन और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हमारी लगातार वार्ता चल रही है और वार्ता सफल होने के बाद कहीं न कहीं देर शाम से बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहारिका है, मैं बनारस से आ रही हूँ। स्ट्राइक होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाना है आपको? मुझे अभी महाराजगंज जाना है और प्राइवेट बसेस का और टैक्सीज का चार्जेस इतना ज़्यादा है कि अफोर्डेबल प्राइस पर नहीं है। बस स्ट्राइक की वजह से आम जन को बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप कब चली हैं वहाँ से, बनारस से? सुबह में 4:30 बजे। किससे चली हैं? वहाँ भी स्ट्राइक होगा? हाँ, वहाँ भी स्ट्राइक है तो ट्रेन से ऑप्शन लिया था मैंने। अच्छा अच्छा। सर, ये जो समस्या आ रही है अभी फिलहाल सारे ड्राइवर से स्ट्राइक पे, ये कब तक मतलब चलेगा और ये जो प्रॉब्लम सब बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से स्ट्राइक पर हैं, तो ये समस्या जटिल हो रही है, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है ये? सर देखो, जो हमारा देश है वो कितनी लोगों का देश है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया है वो हिट एंड रन का, तो उन्होंने ड्राइवर महकमे के खिलाफ ये कानून लाया नया। जो एक ड्राइवर होता है वो देखो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ वहाँ से देश के कोने कोने से वो माल का ढोआ ढोआई इधर उधर से करता है, तो सभी लोगों को मतलब पेट भरता है उस चीज़ से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया कानून लाया है वो ये बिल्कुल लोग मारू कानून है जी, जिससे मतलब आप ये सोचो कि अगर एक ड्राइवर के पास अगर 7 लाख रुपया हो तो वो मेरा ख्याल है कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा वो, क्योंकि गाड़ी चलाना एक रिस्की है। ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाता है तो उसकी जो जान है वो हमेशा जोखिम में रहती है, क्योंकि आप देख लो फॉग पड़ रही है इतनी ज़्यादा, जो ड्राइवर का काम है वो इतना ज़्यादा मुश्किल है और उसके ऊपर ये जो कानून है लोक मारू कानून जो सरकार दे रही है, हम इसका सख्त शब्दों में विरोध करते हैं और ये सरकार से अपील करते हैं कि इसको जल्द जल्द वापस लिया जाए। क्या ये समस्या कब तक सॉर्ट आउट होने की लग रहा है, क्योंकि ये दूसरा दिन है आज स्ट्राइक का? सर दूसरा दिन पहले तो है और दूसरी बात ये है, ये आंदोलन जो है सभी ड्राइवर्स का है, चाहे वो ट्रक का हो, टेम्पो का हो, कार का हो या अन्य किसी वाहन का हो। सरकार को ये समझना चाहिए जो चालक है, ख़ासतौर से ट्रक या प्राइवेट बस या टेम्पो वगैरह, ये मजदूर कैटेगरी में आते हैं, इतनी इनकी कमाई का स्रोत भी नहीं है, और सरकार को ये फैसला लेते हुए खुद ही सोचना चाहिए कि ये फैसला कहाँ तक सही है। जब उसका 7 लाख या 10 लाख या जेल जाने की व्यवस्था होती है तो गाड़ी क्यों चलाता? तो सबसे पहले तो सरकार को ये फैसला वापस तुरंत लेना चाहिए। और दूसरा, हम लोग ट्रक मालिक हैं और ट्रक मालिक का तो इस आंदोलन से खुद ही बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमें किस्तें देनी हैं, रोड टैक्स है, बीमा है और हमारे गाड़ियों के जो फाइनेंसर की किस्तें हैं, तो इस आंदोलन से ट्रक मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं गोरखपुर जिले में? लगभग 90% गाड़ियाँ जो है सभी तरीके के वाहन, चाहे वो टेम्पो हो, बस हो, ट्रक हो, सब खड़े हैं जी। और अभी ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक मतलब फ्यूल का और जो भी, बिल्कुल सर, अभी मैं अन्य स्टेशनों से भी पता किया हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंगला जी पंजाब से आए हैं और उनके स्टेट से भी और एमपी से भी, बिहार से भी, बंगाल से भी, सभी स्टेटों से जो सूचनाएं आ रही हैं वहाँ पे 50% पंप जो हैं ड्राई हो रहे हैं, तो आने वाले हमको लग रहा है 24 घंटा जो है काफ़ी दिक्कतें होगी अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती। स्थानीय प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कुछ आप लोग की वार्ता हुई अभी? नहीं, अभी तो कोई सरकारी अफसर कहीं कोई बात करने के लिए किसी जो हड़ताल वाले या जो भी सरकार के पास हमारे बातें हैं ड्राइवर से संबंधित, उस पर किसी का कोई जो है कोई बात नहीं हुई है। कल शासन के द्वारा इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव परिवहन, परिवहन आयुक्त महोदय और रोडवेज के भी आला अधिकारी थे उस वीसी में। उसमें यह कहा गया कि चालकों के साथ जो है संवाद स्थापित किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि यह स्थिति जो है कुछ अलग से नहीं है। आप अगर
गौर करेंगे तो पहले भी आईपीसी में 304 और 304 ए की प्रोविज़न है, उसमें हीट एंड रन वाले में जो सज़ा का प्रोविज़न था उसमें बस एक कॉलम में 5 साल का है तो वो अवेलेबल ऑफेंस है। वो दूसरा ऑफेंस है 10 साल की सज़ा वाला, तो 10 साल की सज़ा वाला पहले से भी ये था। अब ये है 106(2) जो नया भारतीय न्याय संहिता बना है, उसमें यह है कि चालक के द्वारा उतावलापूर्ण या रैस और इरेशनल ड्राइविंग अगर होती है, उतावलापूर्ण उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए किसी को वो हताहत करता है और उसकी सूचना यदि पुलिस में या मजिस्ट्रेट में नहीं देता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन यदि वो अपने आप को सेफ करते हुए सूचना दे देता है तो ये स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एज्यूम करके किसी प्रकार के संचालन को रोकना जो है ये राष्ट्रीय क्षति होगी। यानी तो अगर वो यातायात पूरी चरमरा गई है, शहर गोरखपुर शहर या प्रदेश की बात करें, लोग रोडवेज बसों या ऑटो या किसी बैठ रहे लोग उतार के मारने भी लग रहे, ऐसी स्थिति में सर आप लोग क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आज सुबह गोरखपुर की स्थिति हुई कि गुलेरिया में इस तरह की कुछ स्थिति हुई तो हम लोग पहुंचे, आरएम साहब पहुंचे, वहां समझाया गया लोगों को। असुरन में कुछ ऐसी स्थिति आई उसको भी समझाया गया। तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, 35-40 के संख्या में लोग थे, उनमें एक अविश्वास का माहौल है। और हमारा निवेदन है मीडिया के द्वारा आप सबों से कि इस चीज़ को जनता में आप रखिए कि किसी का भी जो है अहित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो है या भारत की जो न्याय प्रणाली है वह एक दोषी को दोष सिद्ध करने के क्रम में या पूरा ध्यान रखती कि कोई निर्दोष ना इसमें फंस जाए। जो क्या लगता है सर, बातचीत होगी तो उस समस्या का समाधान हो सकता है? निश्चित रूप से होगा।